मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में कलवारी मार्ग काफी गड्ढे हो जाने के कारण वाहनों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि सरकारी राजकीय धान क्रय केंद्र खुला है, गड्ढे होने के चलते धान लदा ट्रैक्टर पलट गया जिसमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन ड्राइवर सलामत बचे हुए हैं। लोगों का कहना है कि रोड को गड्ढा मुक्त किया जाए। ओम प्रकाश पटेल, ब्यूरो चीफ मिर्जापुर से चलकर आज लालगंज खजूर ग्राम सभा में आया हूँ। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर पलटी है सर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जो लालगंज कलवारी रोड बना है, जगह जगह इतने इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि आए दिन घटना हो रही है। कल भी एक ट्रैक्टर पलटा, हम आज ट्रैक्टर स्वयं लेकर के आ रहे थे, एक बच्चा बैठा था हमारा, अगर मर जाता तो आज हम क्या करते, धान खरीद केंद्र पर बेचने आ रहे थे धान और हमारा ट्रैक्टर पलट गया। इसके पहले भी केवल ट्रैक्टर पलटी थी यहाँ पे? कल एक ट्रैक्टर पता लगा है कल। वो किसकी थी? मदर जी आपकी थी? हाँ, हमारी श्याम मुरारी पटेल जी का। हाँ, आए दिनों हमेशा यहाँ घटना हो रही है, बाल बच्चे दबने की संख्या है, रोड इतनी खराब यहाँ बनाई गई है, आप बनी ही नहीं है क्या है, लेकिन यह है कि बहुत भयानक घटना है, इसके वजह से जो है आए दिन हमेशा समस्या होता है। रोड की कंडीशन इतनी यहाँ खराब बताई जा रही है, गड्ढे हैं और गड्ढे के चलते डेली यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती है। ट्रैक्टर, अच्छा, ये धान क्रय केंद्र है, राजकीय केंद्र है भाई, फिर भी यहाँ रास्ता सही न होने के कारण ऐसा व्यवस्था बताया जा रहा है। जी सर, किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है, हमेशा परेशान ही रहते हैं इस परेशानी में। और आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या बताएं उसके बारे में, समस्या समझे सरकार की कार्यकाल है जो आज ये समस्या खड़ा किया है, जिसके पहले सब नहीं रहता था, लेकिन आज के डेट में केंद्र के सामने जो समस्या है, किसान यहीं पढ़ाते हैं बेचने के लिए, वहीं गाड़ी भी खड़ी हो रही है, आए दिन पलटर भी रहा है, यही समस्या है। और हम क्या सरकार से अपील की जाए कि इसको बनाने, सरकार से अपील किया जाए इसको बनाया जाए। धन्यवाद।